आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा यह वीडियो एक एंटरटेनमेंट पर्पस का वीडियो है। इस वीडियो में हम एक रियलिटी शो के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसा रियलिटी शो जो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक देखे जाने वाला रियलिटी शो है, सबसे अधिक चर्चित और सबसे अधिक फेमस रियलिटी शो है, जिसका नाम बिग बॉस है। बिग बॉस 14 अभी 3 अक्टूबर 2020 को पुनः आ रहा है। रात्रि 9 बजे से बिग बॉस कलर्स टीवी पे प्रसारित होने वाला है। तो दोस्तों, इसका क्या प्रेडिक्शन है, यह प्रेडिक्शन मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, मैं खुद 8-10 साल से बिग बॉस देख रहा हूँ, कभी छूट जाता है जैसा काम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कुछ टाइम निकाल कर उसे देखूँ, क्योंकि मुझे खुद अपने पर्सनल रूप से उसे देखने से काफ़ी फ़ायदा होता है और मैं लोगों के बारे में जान सकता हूँ, उनके मन, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग ट्रेट्स ऑफ पीपल होते हैं और सभी का मन अलग प्रकार से काम करता है। मन बहुत ही भिन्न चीज़ है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, लिटरेसी, ये सभी चीज़ें एक अलग कॉन्स्टेंट है, लेकिन मन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कितना भी लिटरेट आदमी व्यक्ति हो या फिर कितना भी इलिटरेट हो, लेकिन उनका मन हो सकता है सेम प्रकार से काम करे या फिर भिन्न भिन्न प्रकार से काम करे। मन के ऊपर कई सारे ऐसे कोर्सेस हैं, कई सारे ऐसे स्टडीज़ हैं जिसे हम इंसानी बिहेवियर स्किल्स को समझ सकते हैं, और यही चीज़ मुझे इस बिग बॉस से प्राप्त होता है। मैं ये नहीं चाहता कि यदि आप बिग बॉस नहीं देखते हैं तो आप देखें, पर मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उनमें से कई सारे लोग बिग बॉस सीरियल अवश्य देखते होंगे। ये एक रियलिटी शो है जो कि 3 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हो रहा है। लगभग ये 90 डेज़ 100 डेज़ का शो रहता है। तो इससे संबंधित इस बार बिग बॉस 14 कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि बिग बॉस के जो फॉलोवर हैं, बिग बॉस के जो अपने फैंस हैं, उनके तक भी यह वीडियो पहुंच सके और बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ही उन्हें पता चल सके कि बिग बॉस इस बार का कैसा रहने वाला है। साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का दो चरण होगा। प्राथमिक चरण में हम पहले सिर्फ प्रेडिक्शन को करेंगे, क्योंकि मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनमें से आधे से ज़्यादा लोग को ज्योतिष शास्त्र या तो उनको पता नहीं होगा या विश्वास नहीं होगा या फिर वो डीप नॉलेज को नहीं जानते होंगे। तो किस प्रकार से ये प्रेडिक्शन निकल रहा है, इसके ऊपर हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। पहले हम प्रेडिक्शन को करते हैं। यदि आपको मेरा प्रेडिक्शन पसंद आए और यदि आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि प्रेडिक्शन किस प्रकार से किए गए हैं, तो फिर हम इसके ऊपर अंतिम में बात करेंगे। तो दोस्तों, यह बिग बॉस मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। जैसे यह बिग बॉस 3 अक्टूबर 2020 को रात्रि 9 बजे प्रसारित हो रहा है। वैसे तो प्रेडिक्शन के लिए कई सारे बहुमूल्य चीज़ों को देखना आवश्यक है, जैसे उसमें कितने कंटेस्टेंट हैं, उन कंटेस्टेंट की क्या कुंडली चल रही है, विशेष तौर पे उनका क्या गोचर और क्या दशा चल रहा है। साथ ही कलर्स चैनल का अपना यह शो है, साथ ही इसमें जो प्रोड्यूसर हैं, जो इसके अपने डायरेक्टर हैं, इन सभी चीज़ों को देखना आवश्यक है। इन सभी लोगों की कुंडली देखना आवश्यक है, तभी हम इसके सटीक बात को निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक जो उस दिन की कुंडली है जिस दिन बिग बॉस प्रसारित हो रहा है, शनिवार को 3 अक्टूबर 2020 रात्रि 9 बजे मुंबई शहर में, या फिर थोड़ा सा मुंबई शहर से इर्द गिर्द, मुंबई शहर का ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होगा, वहाँ पर यह शो प्रसारित होने जा रहा है। तो उस दिन की हमने कुंडली बनाई है, रात्रि 9 बजे की कुंडली बनाई है, और वह कुंडली क्या कहती है, इस आधार पर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो यह जो बिग बॉस रहने वाला है, यह काफ़ी ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशील वीडियो रहने वाला है। यह बिग बॉस जो रहने वाला है, बिग बॉस 14, बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्यशील और ऐश्वर्यवान सीरीज़ रहने वाला है बिग बॉस का।
अभी तक के सबसे लग्जीरियस शो आपको देखने को मिल सकता है बिग बॉस 14 में। बिग बॉस 14 में कई सारे ऐसे निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जो मेरा अपना प्रोडिक्शन कहता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो निगेटिव पॉइंट में जब बात करते हैं तो यहाँ पर इस बार क्या हो सकता है कि अपने लोग अपने ही लोग के ऊपर कुछ घात लगा सकते हैं और सीरियस घात हो सकता है, कुछ बड़ी हिंसा हो सकती है, कुछ बड़ा आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लोग एक दूसरे से विरुद्ध रहेंगे। इस बार बिग बॉस में संबंध स्थापित हो के भी विलग हो जाएंगे लोग। यहाँ पर इस बार बिग बॉस में लोग एक दूसरे के लिए काम ना करते हुए सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। कई बार बिग बॉस में आप देखते होंगे कि लोगों की मित्रता इतनी घनिष्ठ हो जाती है कि लोग शो से भी ऊपर उस मित्रता को, उस संबंध को रखते हैं, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही इस बार बिग बॉस में एक हिंसा की स्थिति अधिक उत्पन्न होने की संभावना दिखती है। यहाँ के जो कंटेस्टेंट रहेंगे काफ़ी चालाक, चतुर, कुटिल और हिंसावादी रहेंगे और कुछ ऐसे कार्य को करने वाले रहेंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो। इस बार बिग बॉस में कुछ ऐसे आपको कंटेंट प्राप्त होंगे जो इससे पहले कभी और प्राप्त ना हुए हों। इसका क्या रीज़न है ये हम वीडियो के अंत में बात करेंगे, प्रेडिक्शन जो कर रहे हैं प्रेडिक्शन के अंत में बात करेंगे। तो आउट ऑफ द बॉक्स काम होने वाला है, ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट आएंगे जो शुरुआती दौर पे तो काफ़ी नॉर्मल से प्रतीत होंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार से वो फेस चेंज करेंगे, अलग अलग प्रकार से अपने मुखौटे को चेंज करने वाले रहेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है शो, और इस बार कुछ ऐसा होगा कि लोग अपने से निकल कर जो अपने डीप सीक्रेट है उसको निकल कर सामने रखें, उसको निकाल कर सामने रखें, और लोग अपने समाज में मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे डीप सीक्रेट को रखेंगे, कुछ ऐसे डीप सीक्रेट को खोजेंगे जो कि समाज में व्याप्त नहीं है। अर्थात कि अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ कार्य होने वाला है। अष्टम भाव आयु, मृत्यु, सेक्सुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का स्थान है, डीप सीक्रेट का स्थान है, ऐसे रहस्यमय चीज़ें जो समाज में व्याप्त नहीं है, भूत प्रेत आदि इन सभी चीज़ों का भाव है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भूत प्रेत आदि चीज़ें कुछ रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसे तत्वों को उछाला जाएगा, कुछ ऐसे एजेंडाज को लिया जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप हो, सीक्रेट हो, और लोग उसे रखने से सामने हिचकिचाएंगे नहीं। कुछ इस प्रकार की स्थिति इस बार बिग बॉस में उदित होने वाली है। साथ ही दोस्तों लोगों का ध्यान प्राणायाम, योगा, इन चीज़ों की ओर बढ़ेगा। जैसे ही मिड पार्ट बीतेगा बिग बॉस का, लोग अधिक से अधिक प्राणायाम, योगा, योगासन, इन सभी चीज़ों की ओर अग्रसर होंगे। इस बार का बिग बॉस लोगों को आलस्य प्रदान करने वाला होगा। लोग इस समय आलसी अधिक होंगे, अधिक भोजन करने वाले होंगे और आराम पे अधिक ध्यान देने वाले होंगे। वैसे तो हर समय ही बिग बॉस में कई लोग ऐसे रहते हैं जो कि सदैव सोते रहते हैं, या फिर दिन के समय भी उनके लिए अलार्म बजाना पड़ता है, लोग सोते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। दोस्तों बिग बॉस में जो इस बार स्त्रियां रहेंगी, जो भी फीमेल कंटेस्टेंट रहेंगी, मे बी उनका हेल्थ अधिक खराब हो। इस बार उनके हेल्थ अधिक खराब होंगे, और मैं आपको बतला दूँ जो कि सबसे अंतिम प्रेडिक्शन है और सबसे बड़ा प्रेडिक्शन है, मेरे हिसाब से इस बार की जो विनर रहेंगी वह एक स्त्री ही रहेंगी। जो इस बार बिग बॉस 14 का खिताब लेकर जाएगा वो एक स्त्री रहेगी। तो दोस्तों यह प्रेडिक्शन एक छोटा सा प्रेडिक्शन था बिग बॉस 14 के ऊपर। मैंने एक कुंडली का निर्माण किया जिस दिन बिग बॉस प्रसारित हो रहा है, चूँकि एक रियलिटी शो है तो उस दिन का कुंडली का निर्माण किया, और उसके आधार पर जो प्रेडिक्शंस मुझे समझ में आए वो मैंने आपके सामने रखे। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रेडिक्शन समझ में आएगा, पसंद आएगा, और जैसे ही बिग बॉस स्टार्ट हो आप कृपया हमारे इस वीडियो को देखें, प्रेडिक्शन मिलाएं, और यदि आपका हमें प्यार मिलेगा तो हम बिग बॉस 14 के सीरीज़ में कई सारे ऐसे वीडियोस डालेंगे कि इस वीक कौन से मेंबर आउट होने वाले हैं, कौन से मेंबर इन होने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिग बॉस के अंदर, इन सभी चीज़ों के ऊपर वीडियो हम डालेंगे। यदि हमारा वीडियो ऊपर उठता है, यदि लोग इसे पसंद करते हैं तो दोस्तों आइए जानते हैं बिग बॉस 14 का यह कुंडली क्या है और इस कुंडली में किस प्रकार से मैंने प्रेडिक्शंस को किए हैं। तो आप स्क्रीन में
एक कुंडली देख सकते हैं। यह कुंडली 3 अक्टूबर 2020 रात्रि 9 बजे मुंबई की है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं लग्न में राहु स्थित है और लग्नेश जो है वो चतुर्थ भाव में है। तो यह कुंडली है। बाकी सबसे पहले हम यहाँ पर पंचांग की बात करेंगे। जब भी किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें पंचांग को देखना आवश्यक होता है। पंचांग का अर्थ है पंचांग के 5 अंग होते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, कृपया आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो पंचांग के 5 अंग हैं वार, तिथि, योग, करण और नक्षत्र। तो यह जो बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है, यह सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। सैटरडे को जब किसी चीज़ का जन्म होता है तो उसकी आयु काफ़ी लंबी हो जाती है, पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। जो हमारे टीवी इंडस्ट्री में जितने भी सीरियल्स या फिर जितने भी रियलिटी शो आए हैं उसमें से जो सबसे लंबी आयु रहेगी यह वन ऑफ द यह शो होने वाला है, जो कि बिग बॉस है। बिग बॉस की सबसे लंबी आयु हो सकती है हमारे टीवी इंडस्ट्री में। साथ ही इस समय जो यह नक्षत्र पड़ने वाला है, यह अश्विनी नक्षत्र द्वितीय चरण है, जो कि इस बार बिग बॉस को कुछ विशेष रूप से ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाने वाला है। वैसे तो गंडमूल दोष होता है, लेकिन इसका जो द्वितीय चरण है, इस द्वितीय चरण के कारण विशेष रूप से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सुख सुविधा, संपन्नता, फॉर्च्यून की प्राप्ति होगी। और यह सीरीज के स्टार्टिंग में ना होकर सीरीज के जो मध्यकाल आएगा उसके बाद से आप अधिक रूप से इसे देख सकते हैं। दोस्तों यह जो दिन है 3 अक्टूबर 2020, इस दिन व्याघ्यात योग उदित हो रहा था जब बिग बॉस 14 रिलीज होगा। व्याघ्यात योग और गर्जकरण, तो व्याघ्यात योग एक अशुभ योग माना गया है। व्याघ्यात योग का यह फल होता है कि अपने ही लोगों को घात लगाने लग जाते हैं, एक आक्रामक, एक हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए बिग बॉस में इस बार हिंसाएं अधिक हो सकती हैं, अपने ही लोग के ऊपर घात लगा सकते हैं। गलत कूटनीति, अनेक प्रकार की नीति का उपयोग कर दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं। तो यह व्याघ्यात योग का इस प्रकार की स्थिति है, लोगों के अंदर एक आक्रामक वृत्ति उनकी जगेगी, लोग आक्रामक अधिक रहेंगे, एग्रेसिव अधिक रहेंगे और हिंसा की स्थिति अधिक उत्पन्न होगी। जो करण होगा यह गरज करण है, तो गरज करण के कारण क्या है कि लोगों का जो इस दिन जो करण होगा यह गरज करण होगा। तो करण के कारण क्या है कि लोग का जो अपना दैनिक जीवन का जो लाइफस्टाइल है उसमें लोग थोड़ा अधिक आराम प्रस्त रहते हैं, थोड़ा सा सुस्ती उनके अंदर अधिक रहती है, थोड़ा लेजीपना अधिक रहता है और काम में कम और आराम में अधिक विश्वास रखने वाले होते हैं, साथ ही भोजन अधिक करना। तो इसी प्रकार की स्थिति इस बार बिग बॉस 14 में उदित होने वाली है। कुंडली की जब हम बात करते हैं तो कुंडली में आप देख सकते हैं कि लग्न में राहु है और लग्नेश 4th हाउस में स्थित है। तो लग्नेश जब 4th हाउस में स्थित होते हैं तो जातक आराम प्रस्त हो जाता है और जातक को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त भी होती हैं। तो इस बार का जो बिग बॉस 14 सीजन होने वाला है, घर के अंदर काफ़ी लग्जीरियस लाइफ उनको मिलने वाला है जो यहाँ के कंटेस्टेंट रहेंगे, और अलग अलग प्रकार के इन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी घर के अंदर ही। और यह साफ दर्शाता है क्योंकि लग्नेश इनके 4th हाउस में है जो इस दिन की कुंडली है। इनका सुख बढ़ेगा, लग्जीरियस लाइफ की प्राप्ति होगी यहाँ के कंटेस्टेंट को। और जो लग्न में राहु है यह साफ दर्शाता है कि यहाँ के कंटेस्टेंट क्रूरता, हिंसा, चालाकी, कुटिलता पे विश्वास रखने वाले रहेंगे, साथ ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स कार्य को करने वाले रहेंगे, क्योंकि राहु सदैव आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है। अभी वर्तमान में 23 सितंबर को ही राहु वृषभ राशि में गोचर किए हैं, तो ये जो समय होने वाला है बिग बॉस के लिए यह भी बहुत ही खासम खास होने वाला है, क्योंकि राहु लग्न में है। जब राहु लग्न में रहते हैं तो वह कलयुग का राजा माना गया है। राहु खुद ब खुद एक लग्जीरियस प्लैनेट है, एक भौतिकवाद का प्लैनेट है, और लग्जीरियस प्लैनेट के हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र के हाउस में बैठा हुआ है, अपने मित्र के राशि के हाउस में बैठा हुआ है। इसीलिए लग्न में राहु बिल्कुल राजा के समान फल देने वाला होता है। तो इस बार का जो बिग बॉस है यहाँ पर लोग आउट ऑफ द बॉक्स काम करेंगे अपनी जीत के लिए, अपने किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। आज तक ऐसे कार्य नहीं हुए हैं, इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। जैसे 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति, वो आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने बतलाया था कि कुछ ऐसे डीप सीक्रेट को खोज कर निकाला जाएगा,
कुछ डीप सीक्रेट को खोजा जाएगा और वो सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपका समाज का स्थान है, आपका नेटवर्क सर्कल, आपका बॉन्डिंग, आपके मित्रगण, आपके बड़े भाई बहन का स्थान है। तो जो आपका मित्रगण होगा, जो नेटवर्क सर्कल होगा बिग बॉस का इस बार 14 का, वो बहुत ही ज़्यादा अष्टम भाव से रिलेटेड होगा, अर्थात कि डीप सीक्रेट रियलिटी ऑफ लाइफ से कनेक्टेड होगा। कोई ऐसे सीक्रेट, कोई ऐसे रियलिटी जो कि समाज में अधिक रूप से बात नहीं किए जाते हैं, जैसे सेक्सुअलिटी, जैसे स्पिरिचुअलिटी, या फिर किसी के अंदरूनी बात जो कि समाज के सामने ना होकर छिप के किए जाते हैं, वैसे बात को इस बार बृहस्पति सामने खोल कर रखने वाले हैं। और ये कोई बुरा योग नहीं है, एक अलग प्रकार का योग रहने वाला है इस बार, क्योंकि लग्न में राहु है और बृहस्पति जो 11th हाउस के स्वामी है वो आपके 8th हाउस में बैठ जा रहे हैं और अष्टमेश भी हैं, तो बहुत ही भिन्न होने वाला है ये समय। समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए डीप सीक्रेट को खोजना और खोलना, लोग अपने कुछ अंदरूनी छिपे हुए सीक्रेट को खोलेंगे इस बार, ऐसे सीक्रेट जो उन्होंने खुद अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताया होगा, अपने फ्रेंड सर्कल को भी नहीं बताया होगा, लेकिन इस बार उन्हें मौका मिल रहा है बिग बॉस में अपने उस सीक्रेट को सामने रखने का। तो मे बी इस समय लोग जो बिग बॉस 14 में आने वाले हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हों या फिर कॉमनर हों, जो भी हों, वो अपने कुछ ऐसे डीप सीक्रेट को खोल कर सामने रखेंगे जो शायद पूरे समाज को हिला कर रख दे, और वो पॉजिटिव रूप से होगा, निगेटिव रूप से नहीं होगा, वो एक पॉजिटिव रूप से ही होगा। और बल्कि लोग इस कारण रेगुलर रूप से प्राणायाम, योगा, इन चीज़ों की ओर बढ़ने लगेंगे, और इस बार थोड़ा अलग ही प्रकार से बिग बॉस 14 आने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, केतु 7th हाउस में है, राहु जैसे 1st हाउस में, केतु 7th हाउस में है, और केतु जब 7th हाउस में होते हैं तो क्या होता है कि किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, किसी प्रकार का संबंध जातक का टिक नहीं पाता है, और इसी प्रकार की स्थिति इस बिग बॉस में होंगी। जो बने बनाए संबंध हैं वह भी टूट जाएंगे, और जो संबंध बनेंगे उसमें बार बार टूटना, फिर बनना, फिर टूटना, फिर बनना, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। कोई भी व्यक्ति एक रिलेशनशिप में नहीं रह पाएगा, चाहे वो दोस्ती का संबंध हो या फिर किसी प्रकार का संबंध हो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण आध्यात्मिक है, इसी कंटेस्टेंट में जो 14 या 14 से अधिक कंटेस्टेंट रहेंगे, इनमें से कोई अगर पूर्ण आध्यात्मिक है तो फिर उनका एक डीप रिलेशनशिप का स्थापना हो सकता है इसी बिग बॉस में। उनको अपने पास्ट सोलमेट मिल सकते हैं, या तो फ्रेंड के रूप में, या फिर स्पाउस के रूप में, या फिर किसी भी रूप में। तो इस प्रकार की स्थिति इस बार उत्पन्न होगी। दोस्तों एक और भी बहुत ही अहम बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, इस बार बिग बॉस में एक तरंगी योग की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, अर्थात कि जो यहाँ पर के लोग रहेंगे इनके इमोशन और लॉजिक में कोलिजन होने की संभावना है। इमोशन और लॉजिक जब कोलाइड करता है तो लोग का दिमाग हिल जाता है, लोग अपने दिमाग से कार्य नहीं कर पाते हैं, और दिमाग में तरंग की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात कि दिमाग में विचारों का अनेक तरंग रहेगा, और इस तरंग के कारण भी लोग गलत निर्णय लेंगे, गलत डिसीजंस लेंगे। लोग अपने दिल की बात ना सुनकर अपने बुद्धि की बात सुनेंगे, और ना अपने बुद्धि की बात सुन पाएंगे, ना अपने दिल की बात सुन पाएंगे, और इमोशनली कार्य करेंगे, मतलब कि बुद्धि, लॉजिक, यह दोनों ही आपका डिस्टर्ब्ड रहेगा, इमोशनल रूप से भी डिस्टर्ब्ड रहेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर यह समय सुखद नहीं बोला जाएगा, और काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगा। जब लोगों को इमोशनली सोचना चाहिए तो लोग उस समय लॉजिकली सोचेंगे, जब लॉजिकली सोचना चाहिए तो उस समय लोग इमोशनली सोचेंगे, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी इस बार बिग बॉस 14 में। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इमोशनल और लॉजिक का कोलिजन हो सकता है, इस कारण भी लोगों का संबंध खराब हो सकता है, क्योंकि जब आप देखेंगे चंद्रमा को, चंद्रमा आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं इस कुंडली में, तो चंद्रमा 12th हाउस में है और जो बुध ग्रह है वो 6th हाउस में है। जब दोनों के डिग्री देखते हैं तो वो काफ़ी निकटतम है, जिस कारण तरंगी योग का निर्माण हो रहा है। तो यह तरंगी योग के कारण माइंड और इमोशन, आपका लॉजिक और इमोशन, आपका कॉन्शियस माइंड और बुद्धि, यह सभी चीज़ें भ्रमित रहेंगी, आपस में उलझी हुई रहेंगी। काफ़ी उलझे हुए लोग इस बार आ सकते हैं बिग बॉस में,
और काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशंस क्रिएट होंगे, क्योंकि लग्न में राहु है। जब लग्न में राहु हो जाएगा और बृहस्पति 8th हाउस में है, चंद्रमा और बुध थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, मन थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है क्योंकि मेष राशि में मंगल के साथ स्थित हैं। वैसे तो मंगल और चंद्रमा मित्र हैं, लेकिन मंगल और चंद्रमा जब साथ में मेष राशि में हो तो जातक का मन थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। तो लोगों का मन थोड़ा एग्रेसिव होने के साथ साथ इमोशनल और लॉजिक ये दोनों कांस्टेंट पे साथ में काम नहीं कर पाएंगे और यह एक कन्फ्यूज़न की स्थिति उत्पन्न करेगा बिग बॉस में और लोग थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे। दोस्तों, घर की स्त्रियां थोड़ा सा रोगी हो सकती हैं, रोगों को लेकर थोड़ा सा यह समय अच्छा नहीं है। इसका रीज़न यह है कि जब हम देखेंगे कुंडली तो लग्नेश जो हैं वह शुक्र ग्रह हैं, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, और जो फोर्थ हाउस के स्वामी हैं वो सूर्य ग्रह हैं जो कि फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, और जो फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं वह आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इनका संबंध बन रहा है, और यहाँ पर जो अधिक से अधिक स्त्री तत्वों को देखा जा सकता है, तो ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पर की स्त्रियाँ हो सकता है थोड़ा सा रोगी हों, उनको रोग अधिक जल्दी पकड़ ले और रोग के कारण थोड़ी सी उनको परेशानी उत्पन्न हो। लेकिन एक बात और है, इस बार की जो विनर होगी वह एक स्त्री ही रहेगी, और यह आप बिग बॉस के अंत में आपको अवश्य ही पता चल जाएगा, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया। और उसका रीज़न है, चलिए रीज़न मैं आपको अभी नहीं बतलाता हूँ, रीज़न हम आपको जब ये चीज़ हो जाएगी तब मैं आपको बतलाऊँगा। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा प्रेडिक्शन बिग बॉस 14 के ऊपर। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बिग बॉस 14 के जो फैंस हैं, जो उनके फॉलोवर हैं, उनके तक अवश्य पहुँचाएँ। दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट कर सकते हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र का बहुमूल्य वीडियोज़ हमारे प्लेलिस्ट में आपको प्राप्त हो सकता है, जो कि पूरे YouTube में शायद ही आपको प्राप्त हो पाए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बिग बॉस 14 के ऊपर आगे वीडियो लेकर आऊं, तो आप अवश्य कमेंट करें, हम इस चीज़ को लेकर सामने अवश्य आएंगे, और जहां तक हो सके अपने ज्योतिष ज्ञान से आपको बिग बॉस 14 के प्रति जो इंटरटेनमेंट आप खोजते हैं बिग बॉस से, चूँकि यह 2 से 3 महीने का जो समय होता है काफ़ी एक अलग प्रकार का ही समय बीतता है लोगों का, और विशेष तौर पर नॉर्थ इंडिया में लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं बिग बॉस को लेकर, इसलिए मैंने सोचा कि यह बिग बॉस 14 के ऊपर आपको वीडियो दूं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो समाप्त करते करते, यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।